हे हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक विद न्यू वीडियो मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अफी क बिटियाड के ऊपर मैं दो से तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लेकिन यार वीडियोस के नीचे ना मुझे कुछ कमेंट्स मिले और पर्सनल मैसेजेस में भी लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और बोला कि बिटियाड का जो चार्ट है ना उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मतलब जैसे ही आप इसे लॉग इन करते हो बिटियाड को अपने पीसी में या वेब वर्जन पे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है मतलब लॉग इन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे साइन अप करना होता है साइन अप करने के बाद जब आप लॉग इन करते हो तो ये इंटरफेस आपके सामने आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हालांकि लोगों को ये भी नहीं समझ आया कि जो लाइन का जो फॉर्मेट है जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं ये फॉर्मेट इसको हम बार कैंडल्स में कैसे कन्वर्ट करें और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारे बटन है लेवरेज क्या होता है टीपी एंड एस कैसे सेट कर सकते हैं और होता क्या है ये सारे डाउट्स और मार्जिन को भी लेके काफी क्वेश्चन उठे हैं सारे के सारे डाउट्स आपके इसी एक वीडियो में क्लियर होने वाले हैं अगर बीटीआर से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं तो

My में जाके आप यहाँ पे एसेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरा चीज यहाँ पे आप तीन ऑप्शन देख पा रहे हैं ऑप्शनल मेन एरिया और इनोवेटिव एरिया तो ऑप्शनल के अंदर आपके फेवरेट्स में जो आपने एड कर रखे होंगे वो मिल जाएंगे तो आपने अभी कोई हम हाँ, मैंने अभी कोई फेवरेट नहीं एड किया हुआ है जैसे मैं मेन एरिया में जाता हूं तो यहां पर मुझे देखेंगे BCH USDT मतलब जितने सारे क्रिप्टो करेंसीज के पेयर्स है वो आपको यहां पर मिल जाते हैं मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल EOS USDT मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो ये चार्ट मेरे सामने खुल के आ गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज पता लग गई हमें कि कैसे हम करते हैं इनोवेट एरिया का क्या मतलब होता है यहां पे ना आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिलेंगी चीजें ए बी सी डी समझ गए आप ना तो ऐसे अब आ, ये चीज का सेक्शन आपके क्लियर हो गया है एसेट का सेक्शन आपको क्लियर हो गया है अब यहाँ पे ना डिपॉजिट एंड विड्रॉ का सेक्शन भी आता है देखेंगे यहाँ से आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं विड्रॉ कर सकते हैं इंटरनल ट्रांसफर का क्या मतलब होता है मतलब कि अगर आपके पास एक वॉलेट है यूएसडीटी का और आपको अपने दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करना है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रांसफर करना है अपने वॉलेट के थ्रू वो भी यहां पे कर सकते हैं और इंटरनली अगर आपको यूएसडीटी टू बी बीटीसी में कन्वर्ट करना है वो चीजें भी यहां से हो जाती है दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं यहाँ पे ये यह जो लाइंस आप देख पा रहे हैं इसको कैंडल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो लाइन्स यहाँ पे आप देखेंगे लाइन का एक ऑप्शन आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे वन मिनट वन आवर वन डे वन वीक और वन मंथ का ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है मतलब हिस्टोरिकल डेटा को ट्रैक कर सकते हो आप अच्छी बात है तो वन मिनट में मैं क्लिक

तो ये ऑटोमेटिकली एमए की जो स्ट्रेटजी है वो अप्लाइड है मतलब ऐसे में ऑटोमेटिकली अप्लाइड है देखेंगे टेन ट्वेंटी फोर्टी तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजीज में कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हर एक चीज आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम ये यूज कर सकते हैं बीटीआर अगर आपको जरा सा भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है एक चीज और बताता हूँ अगर बीटीआर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेड ले सकते हैं ट्वेंटी फोर इंटू सेवन यहाँ पे ट्रेड हो सकती है और बहुत सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करता है मतलब अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं ना उसकी दुनिया का बादशाह हम कह सकते हैं मतलब कुछ ही चीजें हैं जिसकी कमी लगी मुझे हालांकि इसमें जो विड्रॉ सिस्टम है वो मुझे इतना कूल नहीं लगा जितना होना चाहिए था असल में मतलब इनके सिस्टम को इम्प्रूव करने की लिए जरूरत है इंडिया के अंदर अगर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे नंबर पे ये स्टैंड करता है अब चार्ट को मैंने देख लिया है ऊपर आप देखेंगे यहां पे आपकी वैल्यूज आ जाती है चेंज चेंज परसेंटेज हाई और लो आपको पता लग जाता है और यहां पे आप देखेंगे प्राइस रेंज आपको दिख जाता है साइड में आप देखेंगे कुछ टूल्स आपको दिख रहे हैं जैसे कि ब्रश टूल है जैसे आप ब्रश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको पता लग जाएगा भाई कितना बड़ा चाहिए आपको और कलर कौन सा चाहिए तो मैं अभी फिलहाल ले लेता हूँ ब्लैक कलर क्योंकि जो पीछे का चार्ट है वो वाइट है अब इसमें देखोगे इस तरीके से से आप डिज़ाइन कुछ भी मतलब अपने हिसाब बना सकते हो जिससे क्या होगा ना एक ट्रेंड को समझने में हेल्प मिलती है और उसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूं दैट्स इट यहां पे आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे और टूल ये जो टूल्स है ना इनको एक्सेस करने का एक दूसरा तरीका है अगर आप यहां पे राइट क्लिक करते हो इस चार्ट के ऊपर देखो मैं आपको दिखाता हूं अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहां पे भी एक टूल्स का आपको नीचे मिल जाएगा देखेंगे ड्राइंग टूल्स का तो ये दूसरा ऑप्शन है अब मैं आपको इस चार्ट के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं कि, के बारे आपको बता दिया लाइव और डेमो में अगर आपको स्विच करना है तो डेमो में स्विच करते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और लाइव में आना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए इसका क्या मतलब है इसका मतलब आप थीम चेंज कर सकते हो जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो नाइट थीम अनेबल हो जाएगी मतलब डार्क थी थीम जो है वो अनेबल हो जाएगी और इस पर क्लिक वापस करोगे तो डे थीम अनेबल हो जाएगी मैं अपडेट टाइम वाले और यार ये एम में इसमें बाय डिफॉल्ट रहता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार हमें जो पसंद है वो स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे ना भाई या जो आप बताओगे वो हम करेंगे यहां पे ऊपर आप देखेंगे तो एक मोर का ऑप्शन आ रहा है मोर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे ना राइट क्लिक करके एक नए टैब में मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो इसमें क्या है आप अनाउंसमेंट देख सकते हो मतलब लेटेस्ट न्यूज देख सकते हो जो बीटीआर आपको प्रोवाइड करेगा तो ये यह देखेंगे यहाँ पे आप न्यूज देख सकते हो इसको मैं हटाता हूं एक बार तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसमें स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं तो जैसे इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है नीचे देखेंगे इंसर्ट इंडिकेटर इंडिकेटर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे इंडिकेटर

ठीक है आ, अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेवरेज सेट करना होता है लेवरेज का क्या मतलब है कि आप कितना वर्चुअल मनी मार्केट से उधार ले रहे हो या लेना चाहते हो मतलब ऐसा समझ लो कि एक एक ऐसा बैंक है जो हवा में है मतलब आपके दिमाग में है है ऐसा कोई बैंक है जिससे हमें पैसा उधार लेना है और जब हम पैसा कमाएंगे ना तभी हमें उसे रिटर्न करना है अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो बैंक हमसे कोई भी पैसा वापस नहीं लेगा बहुत अच्छी लग रहा है सुनने में लेकिन देखो जैसे ही आप जितना ज्यादा लेवरेज रखोगे उतना ज्यादा रिस्क आपको लेना होगा और जितना कम लेवरेज होगा उतना कम रिस्क आप लेगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से सेट कर सकते हो मैं आपको एडवाइस करूंगा पांच या दस पे रखो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो मतलब फाइव और टेन का क्या मतलब है इंटू फाइव मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का इंटू फाइव अर्निंग तक आप जा सकते हो मार्जिन यहां पे आप सेट कर सकते हो देखो मार्केट और लिमिट का एक ऑप्शन आ रहा है जैसे मैं लिमिट पे क्लिक करता हूं तो यहां पे मुझे मिल जाता है प्राइस और इसको मैं मिनिमाइज भी मतलब मॉडिफाई uh, भी कर सकता हूं मार्जिन अब मैं जैसे मार्केट पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे लिमिट नहीं मिलेगी लिमिट का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट लगा दोगे मार्केट के ऊपर तो उसके ऊपर आपका ट्रेड नहीं जाएगा अब मार्जिन में आप सेट कर सकते हो वॉट मार्जिन जैसे मैंने फिफ्टी सेट किया है फिफ्टी का मतलब पचास यूएसडीटी तक ही एक इस वाली ट्रेड में पर्टिकुलर मेरा स्पेंड होगा खर्च होगा ठीक है इसीलिए ना क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको मार्जिनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं ठीक है इनको हम जो लॉट साइज वाला सिस्टम हमारे फॉरेक्स में रहता है वो यहां पे नहीं है यहाँ पे मार्जिन का सिस्टम रहता है नीचे देखेंगे कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं मार्जिन के लिए जैसे मैं इस पर हंड्रेड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वन मतलब एड हो गया मतलब पचास में हंड्रेड ओके यहाँ पे आप टीपी और एस के रेशियो को सेट कर सकते हो यहाँ पे देखेंगे टीपी पे मैं क्लिक करूंगा टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट मतलब कितने पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकलना है वो यहां से आप सेट कर सकते हैं

तो इस तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं ताकि हम डायरेक्टली इन्हें एक्सेस कर सकें जब भी हमें जरूरत पड़े ऊपर देखेंगे होम का एक ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करते हैं डायरेक्टली होम पे रिडायरेक्ट हो जाओगे ये भी बेटा वर्जन है तो हमें काम का नहीं है एफिलेट पर जैसे ही क्लिक करोगे मतलब इनके एफिलिट प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो हर एक रेफरल पे आप यहां से चीजें मतलब यूएसडी अर्न कर सकते हो प्रमोशन में उनका मजा ले सकते हो लेकिन कुछ ज्यादा काम की नहीं है प्रमोशनल स्कीम्स डेली माइनिंग कर सकते हो मतलब बिटकॉइन माइनिंग जिसके बारे में आपने सुना ही होगा मोर पर जाता हूँ तो बिगिनर्स गाइड यहाँ पे आपको मिल जाती है अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं इस वेबसाइट के बारे में तो यहां से आप नॉलेज ले सकते हो अनाउंसमेंट आपको पता ही है फिर मतलब फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आप यहां से चेक कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट गाइड यहाँ से आप देख सकते हो सिंपली सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है ट्रेड कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है अगर इसके बाद भी बीटीआर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं ओके okay, गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे और अगर आपके पास और सारी क्वेरीज है और भी चाहते हो आप किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो चले गाइज मुलाकात करते हैं और एक्साइटिंग वीडियो के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड